नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ विजय लक्ष्मी। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। टिहरी झील पर रोमांचक खेल शुरू, चार दिवसीय योजना का वन मंत्री सुबोध उनियाल ने किया शुभारंभ। कोटद्वार में डेंगू से एक और मौत, प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही डेंगू के मरीजों की संख्या। पर्वतीय क्षेत्रों में युवा महिला संभालेंगी गौवंश सुरक्षा की जिम्मेदारी। उत्तराखंड में विकास की रफ्तार होंगी तेज, अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों को मिलेगा सीएम से सम्मान। बागेश्वर में सरकारी अस्पतालों की बदलेंगी तस्वीरें, लगेंगी 3 करोड़ की जापानी सिटी स्कैन मशीन। कॉर्बी टाइगर रिजर्व में अब पर्यटकों का जैव विविधता केंद्र तैयार, बाघ के अलावा दिखेंगी रंग बिरंगी तितलियां। बद्रीनाथ में भंडारा लगाने के बहाने शराब ले जा रहे 2 गिरफ्तार, पुलिस को मिली गुप्त सूचना। सनातन धर्म पर बयानबाजी से नाराज संतों का हरिद्वार में जमावड़ा, अखाड़ा परिषद में प्रस्ताव पास। हिंदी दिवस के मौके पर पुलिस के कोर्स में शामिल हुई हिंदी की लिखी कानूनी की किताबें, पिछले दिनों से हुए कई बदलाव। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खारिज की सरकार की अपील, 1 जनवरी 2013 से मिलेगा मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों का ग्रेड वेतन। सपा नेता आजम खां के ठिकानों पर दूसरे दिन भी आयकर विभाग की छापेमारी जारी। मेरठ के सरदाना में बड़ी वारदात, छात्र की सरेआम गोली मारकर हत्या, सगे भाइयों ने दिया वारदात को अंजाम। हापुड़ लाठीचार्ज प्रकरण के दौरान राज्य सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने दिया इस्तीफा, कार्रवाई न होने से थे नाराज। यूपी में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में चलेगा आयुष्मान भव अभियान, 5 अलग अलग हिस्सों में होगा संचालन। अलीगढ़ आतंकी कनेक्शन को लेकर फरिंदा में NIA की छापेमारी से हड़कंप, 7 घंटे की पूछताछ के बाद रवाना हुई टीम। यूपी के 36 जिले लंपी वायरस से प्रभावित, बचाव के लिए अब प्रतिदिन लगाए जाएंगे 3 लाख टीके। उत्तर प्रदेश में हापुड़ में वकीलों पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में शुरू हुआ प्रदर्शन, थमने का नाम नहीं ले रहा, सड़कों पर उतरे हजारों वकील, सरकार और अधिकारियों का पुतला भी फूका। लोकसभा चुनाव की तैयारियां परखने कानपुर आएंगी EC की टीम, 20 सितंबर को होगी समीक्षा। JPS अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर डाला से उतारते वक्त धमाके के साथ हुआ विस्फोट, सप्लाई करने वाले कर्मचारियों के उड़े चीथड़े, 1 की मौत। ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे से मिले साक्ष्य रखे जाएंगे सुरक्षित, कोर्ट ने जारी किए निर्देश। सुर्खियों में आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।